पिछला वीडियो में स्टांस के बारे में बताया था, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको डिफेंस के बारे में। डिफेंस क्या चीज़ है? डिफेंस ऐसा चीज़ है जो क्रिकेटर का मेन पार्ट होता है। क्रिकेट जो खेलता है ना, उसके लिए मेन पार्ट है ये क्रिकेट में डिफेंस जो होता है मेन पार्ट होता है। यदि आपको डिफेंस करना जानते हैं तो मारना भी जानिएगा। तो डिफेंस जो है आपको करना सीखना है। तो कैसे, जैसे कि बॉल ये आपको बैट लगे इधर आइए, एक तरह का ये भी डिफेंस हुआ, ये जो हम अभी कर रहे हैं ये भी ये डिफेंस हुआ। लेकिन इसमें क्या है ना, झटका पड़ा, इसमें झटका पड़ा तो क्या होगा, झटका लगा ना तो क्या होगा, कारी करेगा, बॉलर के हाथ में चल जाएगा। लेकिन ये डिफेंस जो है, ये बोला जा भी जो हमें बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जब पैर देखिए बॉल की तरफ पैर मूव किया, ये बॉल की तरफ पैर जा रहा है, उसके बाद मेरा एल्बो जो है बॉल की तरफ है, एल्बो जो है मेरा बॉल की तरफ है, देख रहे हैं। अब बैट को ऐसे लाइए, केबल जो है ना बैट को यहाँ पर रखना है, ये जगह रखिएगा ना तो क्या होगा, बैट पैड हो जाएगा। ये जगह रहने से आपको बॉल मान ली यहाँ लगा, बैट पैड में लगा, कैरी कर दिया। लेकिन यहाँ पर रखिएगा तो क्या होगा, बैट पैड कैच नहीं जाएगा, इसलिए बैट को यहाँ पर रखना है, ये जगह रखना है। अब देखिए एकदम बैट जो है हाथ से ऐसे गिर दिया, तो ये आपका हाथ एकदम हल्का रखना चाहिए, बॉडी हल्का रहना चाहिए, हाथ जो है देखिए सॉफ्ट हैंड से पकड़े हुए, केवल ये उंगली से, ये जो है यही उंगली से पकड़ना। जैसे आप पेन पकड़ते हैं ना, पेन जो पकड़ते हैं उसी तरह से इसको पकड़ना। डिफेंस में जो है ये आप ग्रिप कैसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं, डिफेंस के टाइम में केवल ये रहना चाहिए, ये हाथ जो है सॉफ्ट रहना चाहिए बस। इससे क्या होगा ना, बॉल जब इसमें लगेगा भी तो आपको कैरी इधर उधर नहीं करेगा, इस किनारे लगेगा तो कैरी नहीं करेगा। अच्छा जी, आप ऐसे करके पकड़े हुए हैं ऐसे, तो ऐसे दोनों टाइट पकड़े हैं तो कैरी कर जाएगा। जैसे कि अभी जाले में हम बॉल को मारेंगे, तो जाले में बॉल को मारेंगे तो रिटर्न नहीं आएगा, रुई पर मारेंगे रिटर्न नहीं आएगा, दीवार में मारेंगे तो रिटर्न आ जाएगा ना। तो उसी तरह से जब बॉल आएगा उधर से, बॉल जब बॉलर डालेगा तो हमको बैट को ये रखना है। तो आपको ऐसे पकड़ना है, दिक्कत कर रही ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बॉल को ऊपर जाना है। इम्पोर्टेंट जो है आपका पैर, पैर का मूव जो है बॉल की तरफ बनाना चाहिए। ये जो है नी जो है बैंड रहेगा, जब ये नी बैंड नहीं रहेगा तो आपका बॉडी देखिए ऐसे हो गया, ऐसे में क्या होगा ना कैरी कर जाएगा, क्योंकि बॉल के ऊपर आपका वेट नहीं किया, बॉल के ऊपर चढ़े नहीं आप, चढ़े नहीं तो आपको कैरी करेगा। यही चीज़ इसको ऐसे लाएं, देखिए बॉडी आपका आगे आ गया ना, आगे आया ना, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। डिफेंस में एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए, ये उंगली जो है ये तीनों उंगली एकदम छोड़ दीजिए, यही दो उंगली से पकड़ के डिफेंस करना है। ये सब जो है हल्का रहना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए, जो बॉल आएगा देख रहे हैं ये आपको जो है यही टाइट से पकड़िएगा, शॉट से निकल जाएगा इधर, इसलिए टाइट से नहीं पकड़ना है, डिफेंस करना है टाइट से नहीं करना है, एकदम बॉडी का नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बताया, आपको समझ में आ गया है। बॉल जो है कि ऊपर एल्बो भी जाना चाहिए, जो है जैसे बॉल आया ये बॉडी आपको जाना, ये करना पड़ता है, ठीक है। तो डिफेंस के बारे में आज समझ गए, तो आज मैं आपको डिफेंस के बारे में बताया। इसको रेगुलर करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तब होगा प्रैक्टिस को। ये सब क्रिकेट हो तो प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इम्प्रूव होगा। इसलिए आपको डिफेंस के बारे में बताया, डिफेंस को आप बराबर करते रहिएगा, कहीं घर में हो कहीं पर हो अपना करते रहिएगा, आपका इम्प्रूव होगा। थैंक यू। आपका क्रिकेट में कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बैटिंग में भी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। फील्डिंग में आपको फील्डिंग में कैच छूट जा रहा है, या बॉल आपको ठीक से नहीं पकड़ा रहा, तो उसके बारे में बोलिए, या बॉलिंग हो या क्रिकेट का कोई विषय में, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपको हर चीज़ जो है बताते रहेंगे, हर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और फील्डिंग हो बैटिंग हो जो भी क्रिकेट का होगा प्रॉब्लम आपको हम बताएंगे। थैंक यू।